नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें बीजेपी विधायक विजय रंगदाले का बेटा आविष्कार रंगदाले भी शामिल था। आपको बता दें, महाराष्ट्र के वर्धा में हुए भीषण हादसे में विधायक के बेटे समेत 7 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई है। हादसा देर रात हुआ। जानकारी के मुताबिक सैलसुरा शिवार से गुजरते समय छात्रों की गाड़ी के सामने जंगली जानवर आ गया। उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पुल को तोड़ते हुए खाई में गिर गई। चालक का नियंत्रण खो देने की वजह से 40 फुट गहरी खाई में छात्रों की कार आधी रात को गिर गई थी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। मृतक छात्रों में महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक विजय रंगदाले के बेटे आविष्कार रंगदाले का भी नाम शामिल है। घटना में सभी की मृत्यु हुई है। हादसा देर रात यवतमाल वर्धा मार्ग पर सैलसुरा नामक जगह पर हुआ। वर्धा के SP प्रशांत होल्सकर ने घटना की पुष्टि की है और बताया है कि देर रात करीब 11:30 बजे सैलसुरा के पास हुए हादसे में बीजेपी विधायक के बेटे समेत MBBS के 7 छात्रों की मौत हो गई। सभी छात्र वर्धा की ओर जा रहे थे। हादसे में वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में हुई क्षति का अंदाज़ा कार की हालत देखकर पता चलता है। शुरुआती जांच के अनुसार कार चला रहे शख्स ने जानवर से बचने के लिए स्टीयरिंग को जोर से घुमाया, जिससे वाहन पुलिया के नीचे खाई में गिर गया। दुर्घटना इतनी खतरनाक थी कि मौके पर ही छात्रों की मौत हो गई। वहीं PM मोदी ने महाराष्ट्र के सैलसुरा के पास दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।